आइए जानते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी क्या है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मीतू टॉक्स मीतू के साथ। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन नेशन वन राशन कार्ड की ही तरह वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की घोषणा की है। मोदी जी ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के द्वारा आज से पूरे देश में एक बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। अब हर एक भारतीय की हेल्थ आईडी होगी, जिससे कि जब भी कोई भारतीय किसी दुकानदार से दवाई लेने या किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो उसे अपने साथ कागज ले जाने की जरूरत नहीं होगी। उसकी हेल्थ आईडी से ही डॉक्टर उसकी पिछली बीमारी की सारी डिटेल्स देख लेंगे। इस हेल्थ प्रोफाइल में आपकी बीमारी से रिलेटेड हर जानकारी उपलब्ध होगी। जो मरीज अपनी बीमारी के इलाज के रिकॉर्ड को डिजिटल करवाना चाहते हैं, वो ये हेल्थ आईडी बनवा सकते हैं। ये डिजिटल आईडी किसी व्यक्ति के मूल विवरण और मोबाइल नंबर या आधार संख्या का उपयोग करके बनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि ये काम कैसे करेगा। NDHM यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आपको एक यूनिक आईडी कार्ड मिलेगा। ये कार्ड आधार कार्ड की ही तरह होगा। इसी कार्ड के द्वारा ही किसी भी मरीज की उसकी बीमारी से रिलेटेड पूरी मेडिकल हिस्ट्री पता चल पाएगी। मतलब अब आप देश के किसी भी कोने में अपना इलाज करवा सकते हैं, वो भी कोई पर्ची या जांच रिपोर्ट ले जाए बिना, क्योंकि आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री आपकी डिजिटल हेल्थ कार्ड के द्वारा इंटरनेट में देखी जा सकेगी। डॉक्टर आपकी आईडी देखकर ही सब जान जाएंगे कि आपको पहले कौन कौन सी बीमारी थी और कहां कहां आपने इसका इलाज करवाया था, कौन सी जांच आप करवा चुके हैं, उसकी रिपोर्ट क्या आई है और अब दवाइयां आप कौन सी खा रहे हैं। अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि अभी तक आप कौन सी दवाइयां खा रहे थे, तो हम दवाई का नाम नहीं बता पाते, कभी कोई बीमारी भी बताना भूल जाते हैं। तो इन सब में हेल्थ आईडी हमारी बहुत मदद करेगी, क्योंकि उसमें मरीज से रिलेटेड हर चीज के बारे में लिखा होगा कि हमें कौन सी बीमारी कब हुई थी और उसकी रिपोर्ट में क्या आया था और कौन कौन सी दवाइयां हमने खाई थी। सारी डिटेल्स उसमें लिखी होंगी, जिससे अगर हम कभी डॉक्टर बदलकर दूसरे डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उसे बिना कुछ भूले हम अपनी बीमारी से रिलेटेड सारी बातें हेल्थ कार्ड के जरिए दिखा सकते हैं। अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर्स को एक सेंट्रल सर्वर से लिंक किया जाएगा, ताकि वह हर मरीज का पूरा मेडिकल डाटा रख सके। मतलब इसमें डॉक्टर्स, क्लिनिक और अस्पतालों को भी रजिस्टर किया जाएगा। अभी सरकार इसे सबके लिए अनिवार्य नहीं करेगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये आधार की ही तरह सबके लिए अनिवार्य किया जा सकता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कैश ट्रांसफर स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो ही उसको अपनी हेल्थ आईडी को आधार से लिंक करना होगा, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना के तहत हर वर्ग के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी, ये एक अच्छी बात है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसी तरह के और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए मीतू टॉक्स। मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।